Hi, I'm Sonali Bendre. This is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. India, आपके वोट्स के लिए आखिरी बार परफॉर्म करने आ रहे हैं डांस का छप्पन भोग सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक. ऑलराइट शिवांशु, आपकी इतनी कमाल की जो जर्नी रही है जिसमें थोड़े से अप्स थे थोड़े से डाउन्स थे लेकिन कितनी स्मूथ जर्नी थी वो हम साथ में एंजॉय करते हैं, ठीक है ना? हैव अ लुक. इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 में आने के पहले मेरा जो फोर्टे है मैं जो फ्यूजन करता हूँ अलग अलग स्टाइल्स का क्लासिकल के साथ, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं था. बट मेरे मन में क्वेश्चन भी था, क्या जजेस को इसमें पोटेंशियल दिखेगा कि क्या मैं इसे पूरा सीजन खींच सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है आज आपने 56 भोग परोसा. और यहाँ पे तो मैंने टेरेंस सर के साथ जो हम सभी डांसर्स के आइडल है उनके साथ भी स्टेज शेयर किया है. तारीफ करने के लिए हम कल सुबह तक आपकी तारीफ कर सकते हैं. ये साक्षात सरस्वती. मैं आपका वो सोलो मैं मेरे फोन पे रिकॉर्ड करके लेके जाऊंगा. अंदर से रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं बन सकता हूँ इंडियाज बेस्ट डांसर. यही सपना है तेरा. I have not seen something like this. तुझे अब ये दिखा. इस जर्नी में कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं जो सुन के ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ तो मेहनत की है. टॉप 3 में ना होना ये डांस के साथ ना इंसाफी हुई. It was worth 600 crores without spending 600 crores. मैंने जब क्लासिकल सीखना शुरू किया बचपन में तो लोग चलते फिरते मजाक उड़ा देते थे कि ये तो लड़कियों का डांस फॉर्म है. वैसे माहौल पे मेरे मम्मी पापा ने मुझ में बिलीव किया अगर ये मेरा सपना है तो ये मेरी फैमिली का भी सपना है. इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 की ट्रॉफी जीतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So overwhelming. शिवांशु, आपकी जो शैली है शास्त्रीय नृत्य को लेकर जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ चीज़ें की हैं और जो अलग स्टाइल्स को अपनाया इस जस्ट कमाल की चीज़ की है आपने. आपका गुरु का हाथ रहा है ऑलवेज और ये सदा आपके सर और हाथ और अब कंधों के पास रहे और इसका साया आपके साथ है ऑलवेज. हर एक शागिर्द के पीछे गुरु का हाथ होता है. आज हमारे पास उपस्थित यहाँ पर शिवांशु के टीचर हैं, गुरु हैं. तो मेरे लिए मतलब मेरी लाइफ के सबसे बड़े दिनों में से एक है आज. और अगर मैं इस मंच पे परफॉर्म कर रहा हूँ अगर लोग शिवांशु को आज जानते हैं तो वो मैम की वजह से जानते हैं. और इन्होंने मुझे इतने छोटे से अभी जितना हो उतने तक सिखाया है और अभी फाइनली मेरा लास्ट कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है और मैम यहाँ पे हैं और मैं जैसा सर हमेशा बोलते हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने जिनसे इंडियन क्लासिकल फॉर्म सीखा है वो मेरे साथ खड़ी हैं आज, तो मैं जीत गया. क्या बात कही है, क्या बात कही है. ऑलराइट देन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वन फाइनल लास्ट टाइम शिवांशु सोनी एंड विवेक. ज़ोरदार तालियां हो जाए. हे ऊपर वाले, तू हर क्षण में है, कण कण में है, हाथ फैलाकर तुझसे मांग रहा तेरे हर कण को मेरी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बना. नाइस.
हिम्मते अता करो वो मददगार मौला ही हो कुवते परवरदिगार ओ शाह बरदा शेर यजदा जाफिदा तुम पे मौला यू आर नॉट सिलेक्टेड रिजेक्ट वाह वाह क्या डांस किया है शिवांशु तुम डांस के छप्पर हो साथ देना सोनाली जी जब आप कुछ इतना ब्यूटीफुल देखते हो इतना सुंदर देखते हो मैं कहती हूं ना ये डिवाइन है मेरे लिए तो साक्षात माँ सरस्वती थी सामने God bless you. Always remain like this. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैं तो बड़े कलाकार से खड़े रहकर बात करूंगी वाह आपके टैलेंट को आपके इस जर्नी को आज मेरा प्रणाम स्वीकार करें वाह क्या बात है थैंक यू सो मच आज ये जो है विवेक ने करना चाहिए बिल्कुल आई वुड लव दैट हाँ विवेक प्लीज कम हियर मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर बनाने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप तो प्लीज़ 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 मुझे दिल से बहुत सारे वोट्स करिए और मुझे विनर बनाइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके टीचर को यहाँ पर मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवांशु के टीचर के लिए कैसा लगा आपको शिवांशु का परफॉर्मेंस देख कर आज जो शिवांशु ने एक्ट किया वो कहीं ना कहीं मैं इसकी पूरी जर्नी में ये स्टोरी देखते आ रही हूँ शिवांशु एक लौता लड़का जो मेरी क्लास की शान बढ़ाता था उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे लोग ना इसको तो कहते थे जो भी कहते थे कई बार मेरे पास आते थे और कहते थे कि ये लड़कियों के बीच में क्यों नाचता है नचनिया बनना है क्या इसे
उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था. ये मुझसे आके कभी कभी डिस्कशन करता था कि मैम इसने ऐसा कहा, मैम उसने कहा. फिर खुद कहता था कि मैम जिसने भी जो भी कहा मुझे क्या करना है. इनकी इस सोच से मेरा डांस का डेडिकेशन बहुत ऊपर है, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. और ये वापस फिर वैसे ही लग जाता था, तो मुझे लगता था कि इससे तो मुझे मोटिवेशन लेना चाहिए. और मैं एक अभी का इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे शहर में मैं 12-13 साल से कथक सिखा रही हूँ. इसके IBD में आने के बाद इतने सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस कथक सीखने के लिए इससे पहले कभी नहीं आते थे. जो पेरेंट्स समझते थे वही अपने बच्चों को भेजते थे, खासकर लड़कों के कॉल्स. मेरे पास ये सिंगल लड़का था जो अभी तक मेरे पास कथक सीख रहा था. लोग मुझसे आके पूछते हैं आप शिवांशु की टीचर हैं, मुझे इतना अंदर से अच्छा लगता है. मुझे लगता है मुझे इसने ना थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ा दिया. और इससे बड़ी एक गुरु के लिए क्या बात हो सकती. और मैं इसको इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे. जबान से कोई जवाब नहीं होता, समय जब आता है आपके काम से जवाब होता है. तो उसने वो आज करके दिखाया. मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज. एंड आप आई, आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम पूरे IBD की तरफ से. लेकिन हमको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप इनके गुरु हैं. हम चाहेंगे कि एक नज़्म आप दोनों के साथ हम अरे वाह हम देखें. जरूर जरूर जरूर, क्या बात है सर. मंच पर प्रीति जी बहुत सारे गुरु आए. हाँ जी. बहुत सारे गुरुओं ने परफॉर्म किया. आपकी तरह सक्षम गुरु मैंने आज तक नहीं इस मंच पर देखा. क्या बात कही है, वाह वाह. आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम. थैंक यू सो मच मैम. जोरदार ताजा हो जाए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.